नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। बहुत सुबह कह लेंगे आप, हम लोग खड़े हैं थाना खेड़ी पुल और बीती रात प्रिंसेस पार्क सोसाइटी में एक बड़ा हादसा हुआ है। बात करेंगे उनसे। क्या नाम आपका? गीतू मेहता। क्या घटना हुई? थोड़ा सा रोशनी छोड़ दें जी। क्या घटना हुई? डांडिया नाइट चल रही थी। हाँ। लास्ट मोमेंट में थी, डांडिया नाइट खत्म हो गई थी। हाँ। उसके बाद एक आदमी आता है, हमारे को बोलता है कि हमारे साथ डांस करो, हमें अपना नंबर चाहिए। हमने अपने हस्बैंड को बोला जाके, तो बस वो उन्होंने पकड़ के उसको लगाए एक दो, और काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए। बेटा आ गया, बेटे को उसने लगाया, बेटी को बदतमीजी करी, बेटे के साथ भी मारपीट की है। हाँ, कपड़े फट गए। हाँ, तो बेटी के साथ बदतमीजी करी, तो फिर मैं उसके पास गई, धक्का दे मेरे को, थप्पड़ मारे पकड़ के, और उसके साथ में एक संदीप खटाना करके था और विक्की का दोस्त था, उसे बाउंसरों ने मारा कि तुम बदतमीजी कैसे कर रहे हो। RW अभी आई थी, RW भी चली गई देख के, मीडिया के सामने आने से डर रहे हैं, कुछ बताना भी नहीं चाहते हमें अभी, बहुत अंदर बहुत बोल रहे। आपके पति, क्या नाम उनका? प्रेम मेहता। प्रेम मेहता, तो उन्होंने अपोज किया इसको, जाते बोल दिया था, उन्होंने फॉर्मेलिटीज करके खत्म है। अच्छा, तो वही जो मतलब जो लोग ये जबरदस्ती कर रहे थे वहाँ डांस के लिए, उन्होंने धक्का दिया और वो उनकी डेथ हो गई। हाँ। कौन कौन लोग थे वहाँ? लोग थे वहाँ सोसाइटी के, कम से कम 100-200 लोग थे उस टाइम पे वहाँ पे, जो उस टाइम मौजूद थे वहाँ पे। लगभग 12 बजे के करीब की घटना है। 11:30 के अराउंड, 11:45 के अराउंड, ऐसी था कुछ। तो फिर उसके बाद फिर मुकदमा दर्ज हो गया? नहीं, हम हुआ तो पापा को लेके हम गए वहाँ, जाकर उन्होंने बोला कि पापा नहीं है, तो यहाँ पे आए हम। फिर उन्होंने भी यहाँ पे हमसे एप्लीकेशन लिखवाए जा रहे हैं बस। अच्छा, अभी एप्लीकेशन। ये भी किसी का दबाव है, ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। चार घंटे हम दो, हाँ, तीन चार घंटे से यहाँ पे कोई वो नहीं करके, एक बार साइटी नहीं गई बात करने की, कौन है वो, उससे एक बार भी बात नहीं करी, मतलब उस बंदे को कन्फ्रंट करो जाके कि तुम क्या बात है, उससे बात भी नहीं करना चाह रहे हैं, इतना कह रहे हैं अभी टाइम लगेगा 2-4 दिन में, वो तो खींच रहे हैं बस लंबी, कह रहे हैं अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उस पर डिपेंड करता है, अभी हम उसको कुछ नहीं कह सकते, मुझसे बात तक नहीं कर रहे, उससे कॉल कर रहे हैं, वो कह रहा है मेरे को कुछ पता नहीं, तो सोसाइटी जाकर उससे बात करनी चाहिए, कुछ भी नहीं कर रहे। और आपके साथ भी मारपीट की थी, एक बार घूम के दिखा दे, कपड़े दे। ये देख सकते हैं फरीदाबाद, आप बहुत सुबह आपके साथ लाइव हैं और पूरी रात ये परिवार और RW के लोग और सोसाइटी के लोग, लगभग 50-60 लोग पूरी रात यहीं थाने में खड़े रहे हैं। और आप तो अब देखिए, मेरा एक बहुत ही थोड़ा सा आगे कंसर्न है, वो कंसर्न। क्या नाम आपका? मेरा नाम मिस्टर पासी है, मैं ग्रीनफील्ड का रहने वाला हूँ। मेरा कंसर्न, ये मेरा ही परिवार है, मेरा कंसर्न ये है कि ये तो जितने भी अभी आपने बातचीत सुनी, ये तो पीड़ित लोग हैं जिनके साथ ये घटना घटी, बट मैं ये समझना चाहता हूँ कि फरीदाबाद का लॉ एंड ऑर्डर कर क्या रहा है। BPTP प्रिंसेस पार्क एक BPTP नामा, मतलब इट्स नोन टू बी अ वेरी यू नो नोन प्रेस्टीजियस बिल्डर, एक BPTP जैसे बिल्डर के साथ और जितने भी सोसाइटीज़ हैं और BPTP की जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, इन दैट मैटर वो कितनी भी सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर करता क्या है? वहाँ पर सिक्योरिटी के नाम पर लोगों से 3500 रुपये लिए जाते हैं हर महीने के, और 3500 रुपये 2BHK से लेके जाते हैं, 7500 रुपये 3BHK से लिए जाते हैं। वहाँ के लिए जो सिक्योरिटी रखी जाती है, वो सिक्योरिटी क्या कर रही है? वो सिक्योरिटी ये कर रही है कि लोग मर रहे हैं। तो वहाँ बाउंसर्स नहीं थे, सिक्योरिटी गार्ड बंदे, जिस बंदे ने इनको बोला था कि मेरे को आपके साथ डांस करना है, उस बाउंसर ने उसको पकड़ के थप्पड़ लगाया था कि तू बदतमीजी कैसे कर रहा है इनसे। उसके जो दोस्त थे, उसका नाम लक्की था, वो आया, उसने कहा मेरा भाई है तुम मार कैसे रहे हो, मैंने पापा को एक्चुअली में डांस कर रहा था, मैंने देखा बीड़ी गट्टी में, वहाँ गए थी देखने, मुझे पता मेरे पापा की फाइट वहाँ पे दो रहा था, धक्का मुक्की में गया, मैंने कहा कैसे हाथ लगा रहा मैं पापा को, मैं भी थोड़ा एग्रेसिव हुआ, तो लक्की आया मेरे को, उसने धक्का मारा मेरे को, चाटे मारे, मेरी कपड़े वपड़े फाड़ दिया, कुर्ता फाड़ दिया,
फिर उसके साथ एक और दोस्त है धक्का मुक्की संदीप खटाना, वो भी बीच में अग्रेसिवली आ रहा था। तो मेरी बहन ने जब मेरा देखा तो वो गई कि तूने मेरे भाई पे हाथ कैसे चला, तो उसको भी उसने चेस्ट पे उसको धक्का दिया। इतने में पापा देखे, पापा को धक्का लगा तो पापा एकदम से वहाँ पे हो गए। तो सब समझने वाली इस पूरी कहानी में बात यह है कि अभी सुबह के 4:16 हो गए हैं, ये जो घटना हुई थी ये 1 बजे हुई थी, 12 बजे हुई थी, 12 बजे हुई थी, और आज ये परिवार पूरे 4 घंटे हो गए यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये जो भी नामक का नाम ले रहे हैं, लकी नाम ले रहे हैं, या XYZ जो भी जिस भी बंदे का नाम है, पुलिस क्या कर रही है? क्या बंदे को समय दे रही है कि वो भाग जाए? भाग जाए वो क्या मतलब समय? कंप्लेंट भी लिख लिया तो किसी को कंप्लेंट के दर उस पर सस्पेक्ट पर क्या किसी से भी बातचीत नहीं हुई जा सकती? ये सिंगल मदर अपने बच्चों को, ये 12वीं में पढ़ता हुआ लड़का, एक बेटी जो इनकी कॉलेज में पढ़ रही है, ये अपना पूरा परिवार कैसे चलाएगी? मतलब आई रियली वांटेड टू अंडरस्टैंड कि फरीदाबाद के अंदर लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से काम करता है, इस तरीके से काम करता है। एक इंसान मर गया है, 4 घंटे हो गए, किसी सस्पेक्ट को ही नहीं पकड़ा। वो लोग बोले जा रहे हैं कि वो बंदा वहां रहता है, वो वहां रहता है, वो वहां रहता है, वो बंदा आज भी सो रहा है या पता नहीं भाग गया अपने गांव, हमें नहीं पता, पर चल क्या रहा है? अब ये औरत, ये बच्चा, इसकी बेटी, वो कैसे जिएंगे? क्या कोई सरकार हेल्प करेगी, या कोई प्रशासन हेल्प करेगा, या कोई चीफ मिनिस्टर हेल्प करेगा, या हमारे मंत्री साहब हेल्प करेंगे? या हेल्प करेगा तो करेगा कौन? कोई है यहाँ पर सुनने वाला या नहीं है? या ये लोग सिर्फ कंप्लेंट लिख के एक बेबस माँ को, एक बेबस बेटे को, एक बेबस बेटी को सिर्फ अपने घर भेज देते हैं? ये मेरे साथ नहीं है, देखिए, ये आवाज मैं अपने लिए नहीं उठा रहा, ये पूरे पूरे फरीदाबाद के लिए उठा रहा हूँ। ये मेरे साथ, ये सिर्फ इस परिवार के साथ नहीं हुआ, ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। 2500 फैमिली रहती है बीपीटीपी प्रिंसेस पार्क के साथ, ये हो सकता है 2500 में से एक हो, हो सकता है कल को कोई दूसरा भी हो, सकता है कल को कोई तीसरा भी हो, फिर क्या करेगा संसार? एक मेंबर ने एक बार भी कोई एक्शन लिया इसके खिलाफ? आपको देख के वो लिटरली यहाँ से भाग गए, एक बार भी नहीं रुके, वो कुछ सामने बोलना भी नहीं चाहते, उनका फ्रेंड होगा क्या होगा, वो तो खुल के एक बार उनको भी कंप्लेंट करनी चाहिए था RW के, उनको भी कोई एक्शन लेना चाहिए था उस टाइम पे, कि उनके होते हुए उनकी गैर मौजूदगी में, वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट था, सारे RW के मेंबर्स थे, फिर भी ये सब उनके सामने हरकत हुई है। क्या RW के नाम पर सिर्फ हम लोगों से महीने भर सिर्फ हफ्ता मांगा जाता है कि आप हमको 500 रुपये दे दीजिए, आप हमें 1000 रुपये दे दीजिए, आप हमें 1500 रुपये दे दीजिए, आज हमें पेड़ लगाने हैं, आज हमें सोसाइटी की मेंटेनेंस करानी है, आज हमें लिफ्ट की मेंटेनेंस करानी है, यहाँ पर पूरा परिवार खत्म हो गया, इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है, इसकी कोई जवाबदारी नहीं है। आज की डेट में कोई भी RW आप ये देख लीजिए, यहाँ पर कोई भी नहीं खड़ा हुआ, सिर्फ पीड़ित का परिवार खड़ा हुआ है, और हम जो रिश्तेदार हैं एक दो वो खड़े हुए हैं, और कोई भी नहीं खड़ा हुआ। कहाँ है वो RW? कहाँ है वो सोसाइटी? सब है कहाँ? चलो ये तो एक बात हो गई कि जो संसारिक जो लोग हैं, बट मैं तो लॉ एंड ऑर्डर से, मैं तो प्रशासन से जवाब मांग रहा हूं। ये पीड़ित लोग जिन्होंने आज से 4-5 घंटे पहले, जिनका पिता उनके साथ बात करके खाना खा रहा था, और 5 घंटे के अंदर आज सब मुक्त हो गया है, उसके लिए प्रशासन कहाँ है? कोई कुछ नहीं करा गया, कोई किसी आदमी को नहीं पकड़ा गया कि वो इंसान जिंदा है, वो मर गया है तो मरने का कारण क्या है? उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है बस अस्पताल के अंदर, कि सिर्फ वो इंतजार कर रहे हैं कि वो आएगा। क्या लोगों को जवाब दिया जा रहा है, या लोगों को समय दिया जा रहा है कि वो भाग जाए, अपने घर चला जाए? फिर जब वो भाग जाएगा तो फिर एक नया 60 दिन बाद, 70 दिन बाद, 90 दिन बाद इन लोगों का एक नया प्रचार घूम जाएगा कि 90 दिन हो गए, अब वो जब आएगा तो हम वापस उसको दोबारा से लेंगे। दिस इज नॉट, आई डोंट थिंक सो दैट लॉ एंड ऑर्डर वर्क्स। फरीदाबाद महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं उन्हें लेकर पता नहीं क्यों फरीदाबाद पुलिस बहुत संवेदनशील नहीं है, और अभी राखी वाले दिन ओमेक्स हाइट्स में एक महिला के साथ 3 लोग जानवरों की तरह मारपीट करते हैं, और अब आप समझ लें कि राखी से, रक्षाबंधन से, और आज लगभग 50 दिन बीतने को हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी कोई गिरफ्तारियां नहीं होती हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। सबसे बड़ी बात, पर्चा भी बड़ा मुश्किल से पुलिस दर्ज करती है उन लोगों के खिलाफ, और बताया जाता है कि उसमें भी कोई राजनीतिक दबाव है, कोई मुख्यमंत्री ऑफिस से कोई OSD हैं जिनकी वजह से उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। और यहाँ ये परिवार खड़ा है, आप समझ सकते हैं, परिवार बड़ी हंसी खुशी के साथ डांडिया नाइट में हिस्सा लेने के लिए, ना उत्सव के दिन हैं, परिवार, पूरा परिवार वहाँ होता है, और कुछ असामाजिक तत्व वहाँ आते हैं और वो परिवार के साथ बदतमीजी शुरू कर देते हैं। परिवार का जो मुखिया है वो उन्हें अपोज करता है और उसको धक्का दे दिया जाता है,
परिवार का जो बेटा है जिनके साथ बदतमीजी करी गई थी, ये उनकी माता जी है जिनके साथ बदतमीजी करी। क्या हुआ था, थोड़ा सा आगे आ जाए बेटा, क्या हुआ था? फंक्शन हो रहा था, सब डांस कर रहे थे और पहले मम्मी के साथ बोला कि मुझे नंबर दो अपना, मैं आपके साथ डांस करूंगा। फिर उसके बाद उसको पूछने गई, भाई तूने क्यों किया ऐसा? कहता मेरे को उनके साथ डांस करना था। तो वहां पर हाथापाई होने लगी, हाथापाई होने लगी तो इतने में वहां से पीछे से एक आदमी आया, उसका नाम लकी था, आदमी आया और उसने पापा को पुश किया कि हट यहां से, पुश जोर से धक्का दिया, जोर से धक्का दिया। और उसके बाद भाई को, भाई के कपड़े फाड़े, भाई के कपड़े फाड़ने के बाद मैं उसको बोलने गई कि तूने ऐसा क्यों किया, कि तो कहता है कि तू कौन है, और उसने मुझे भी पुश किया यहाँ पे, ऐसे करके पुश किया और हुआ कि तू भी हट जा यहाँ से। और इतने में पापा ऑन द स्पॉट वहाँ पे डेथ हो गई। तो आप देख सकते हैं फरीदाबाद, 20 साल की लड़की है, शादी के लायक है, अब बताओ कौन करेगा इसकी शादी? सिंगल पर्सन, अर्निंग पर्सन सिंगल पर्सन था जो आज इस दुनिया में नहीं रहा। तो मेरी प्रशासन से यही गुजारिश है, इसमें जल्द से जल्द कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई। सबसे बड़ी बात यह है, परिवार, पूरा परिवार पिछले 4 घंटे से यहाँ खड़ा है और 4 घंटे से FIR दर्ज नहीं हो रही है। एक बार भी नहीं हुई, एप्लीकेशन के नाम पे ड्रामे दे रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। एक बार भी उस बंदे का साइट ही नहीं, उससे बात करने, उनको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था, उसको बंदे को टाइम दे रहे हैं ताकि वो अपना और बचाए। तो उसको, उसको एक बार भी जाकर उससे बात नहीं करी, सोसाइटी में एक बार जाकर उससे बात नहीं करी, बात तो करनी चाहिए थी उनको। उसका दोस्त को पकड़ो, उसका दोस्त भाग जाएगा तो सोसाइटी में भी नहीं रहता, तो दोस्त तो बाहर से आया हुआ था, जैसे अपना भाई बता रहा था वो, जिसने बदतमीजी टाइम दे रहे हैं बस ये। जिसने बदतमीजी करी थी खींचते जा रहे हैं कि मैटर दब जाए, मैटर दब जाए, ये ज्यादा बढ़े ना। एप्लीकेशन के नाम पे तो फिर भी तसल्ली दे रहे हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, बट कुछ कर नहीं रहे। इसलिए देखिए सर, ये मेरे को तो नहीं लगता कि ये मैटर यहाँ पर ख़त्म होगा या हम इसको ख़त्म होने देंगे, क्योंकि बात एक परिवार की नहीं है, यहाँ बात और सुरक्षा है कई परिवारों की, और यहाँ बात और सुरक्षा है हर एक अनेक व्यक्ति की और हर एक औरत की और हर एक माँ की जो पीड़ित है या जो रहती है, जो इस समाज में अपने आप को प्रेजेंट करना चाहती है। बहुत बड़ी बात है, मैं ये कहना नहीं चाहूँगा, पर आप देखिए ये वही लोग हैं, हम लोगों ने तो आज भी जूते चप्पल पहन रखे हैं, बट ये वो लोग हैं जो 4 घंटे से नंगे पैर मिट्टी के अंदर घूम रहे हैं यहाँ से इधर उधर, सिर्फ अपने बाप के इंसाफ के लिए, कि हमारे बाप को इंसाफ मिल सके। मेरी यही दरख्वास्त रहेगी और ये मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी फरीदाबाद के लॉ एंड ऑर्डर से और जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं या जो भी कंसर्न्ड मिनिस्टर्स हैं इसके लिए, कि प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट, आप नया फरीदाबाद मत बनाएं, आप नए फरीदाबाद के साथ एक सुरक्षित फरीदाबाद भी बनाएं। ऐसा खूनी फरीदाबाद किसी को नहीं चाहिए। मैं यहाँ किसी जाति को लेके किसी को नहीं संबोधित करूंगा, मैं किसी भी चीज को लेके यहाँ पर भड़काव नहीं पैदा करूंगा, पर ऐसा फरीदाबाद किसी को भी नहीं चाहिए जहां पर माँ बेटी और बच्चे खुद ही सुरक्षित ना हो, डांडिया के नाम पर, नवरात्रे के नाम पर, जहां पर झीना झपट्टी और लोगों की मौत हो जाए। 4 घंटे से सिर्फ ये लोग अपने दारू पी के, इस सारे के सारे RW मेंबर, ऑलमोस्ट आधे मेंबर दारू पी के इतने ड्रंक थे, इतने ज्यादा ड्रंक थे, ये आंटी मेरी मम्मी से बदतमीजी करी, उससे बदतमीजी, आंटी से बदतमीजी करी, इतने ज्यादा ड्रंक थे, इन्हें खुद नहीं पता है क्या कर रहे हैं। ये स्टेज पर चढ़ चढ़ के, इतने RW वाले, RW के मेंबर नहीं थे, इनके साथ के जो लक्की थे, ये इतने गंदे गंदे डांस स्टेप्स कर रहे थे ऊपर चढ़ के, गंदे गंदे गानों पे, इतने ड्रंक थे, और RW वाले इनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब इनके दोस्त कहने वाले दोस्त होंगे, कुछ उनका देख नहीं रहे कि मतलब इन्हें बोले कि ये सब ना करें, एक फैमिली फंक्शन है, फैमिली के लोग हैं, फैमिली के लोग हैं, उसको थोड़ा एक डेकोरम उसका वो बना के रखे कि मतलब फैमिलीज हैं यहाँ पे और तुम ऐसे चीज़ें कर रहे हो, मतलब अभी भी कोई वो नहीं कर रहे वो आगे से अपने। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं, पूरा पहले नहीं थे ये दोनों, पहले नहीं थे यहाँ पे, अर्पिता दास थी जो ये एक्चुअली ऑर्गेनाइजर, प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर है, उनके साथ भी उसने बोला कि मेरे को आपका नंबर चाहिए और बदतमीजी करी, उनके साथ भी यही सीन अभी हुआ था, उन्होंने कुछ करा नहीं। और किसके साथ होता, अर्पिता दास और संगीता दास, अर्पिता दास और संगीता दास दोनों ऑर्गेनाइजर थे दुर्गा पूजा के, उनसे भी इन्होंने जाके बोला मेरे को आपका नंबर चाहिए, आपके साथ डांस करना, जो भी बोला उन्होंने, इतना कुछ करा नहीं, बट जब इनको बोला तो उन्होंने अपने मम्मी ने अपने पापा को बताया, तो ऑब्वियसली बात है किसी और को बोला तो उन्होंने उसको अपोज नहीं किया, उसको रिपोर्ट नहीं किया। वो ऑर्गेनाइजर थे, अपना फंक्शन खराब नहीं करना चाहते थे, उन अगर वो ऐसे करते तो उनके फंक्शन खराब होता, वो ऑर्गेनाइजर थे, इस चक्कर में उन्होंने कुछ, इसलिए उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया, एक्शन नहीं लिया और इन्होंने अपोज किया, तो इनके साथ फिर वो मारपीट हुई और वो जो धक्का दिया गया जिससे उनकी मौत हो गई।
सर आपके चैनल से मैं हाथ जोड़ के सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी अगर हम लोगों को सुन रहा है या कौन कोई भी हम लोगों को पहचान सकता है या कोई भी हम लोगों के लिए कुछ भी हेल्प कर सकता है, तो आई एम रियली रिक्वेस्टिंग यू कि कोई भी अथॉरिटीज अगर इसको सुन रही हैं तो प्लीज़ जस्टिस इज स्टिल नॉट बीन गिवन। जस्टिस चाहिए इस फैमिली को और जस्टिस तभी मिलेगा जब राइट एक्शन राइट टाइम पर लिए जाएंगे। अभी तक चार घंटे से पाँच घंटे से तो कुछ लिया नहीं गया, बट बाकी आपके न्यूज़ चैनल के थ्रू अगर कुछ भी हेल्प हो सकती है और अगर जस्टिस प्रिवेल हो सकता है तो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन ऑल पीपल ऑफ द फरीदाबाद टू प्लीज स्टैंड अगेंस्ट दिस एंड प्लीज टेक अ स्टैंड फॉर इट। थैंक यू वेरी मच। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।